पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। वीआईपी की पार्टी अब महागठबंधन में शामिल हो चुकी है। राजद के कोटे से 3 सीटें तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी की पार्टी को दे दी। 3 सीटें झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी। अब चर्चा ये है कि इन 3 सीटों पर मुकेश सहनी किसे अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अगर कैंडिडेट की बातचीत की जाए तो मुकेश सहनी के अलावा कई ऐसे लोग हैं जो मुकेश सहनी की पार्टी में पकड़ मजबूत रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, या फिर मुकेश सहनी ही सिर्फ ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जो वीआईपी को लीड कर रहे हैं। देखिए, बड़े चेहरे की अगर बातचीत की जाए वीआईपी में तो मुकेश सहनी के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वीआईपी में पकड़ मजबूत रखता हो या फिर एक बड़ा चेहरा इनके पार्टी में हो। कई लोग हैं जिनके नामों की चर्चाएं होती हैं लेकिन उतने बड़े लेवल पर उन नामों की बात नहीं आती है। अगर मुकेश सहनी की बातचीत की जाए तो मुकेश सहनी के अलावा उनके भाई हैं जिनका नाम है संतोष सहनी, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कैमूर के एक राजनीतिक कार्यकर्ता बाल गोविंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अगर बातचीत की जाए देव ज्योति की तो देव ज्योति भी मुकेश सहनी की पार्टी के एक बड़े चेहरे, एक बड़ा नाम कहीं ना कहीं आता है सामने में। अब सवाल ये उठता है कि इन 3 सीटों पर मुकेश सहनी किसे अपना कैंडिडेट चुनते हैं। 3 सीटें ही मिली हैं, 3 सीटों में मुकेश सहनी के लिए भी एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है कि इस अग्नि परीक्षा में मुकेश सहनी कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। तो कल ही हमने आपको बताया था कि 3 सीटों पर मुकेश सहनी क्या अपने खुद लड़ेंगे 1 सीट पर, या फिर किसी बड़े चेहरे को मौका देंगे, या फिर रणनीतियाँ मुकेश सहनी की इस बार कुछ उलट होगी। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको एक एक करके उन सीटों पर जो चर्चाएं हैं वो बता देते हैं। देखिए, मुकेश सहनी के अलावा उनके भाई संतोष सहनी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैमूर के एक राजनीतिक कार्यकर्ता बाल गोविंद बिंद प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ेंगे ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है। वह 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की पत्रकथा तैयार कर चुके हैं। पेशे से डिज़ाइनर और फिल्मी माहौल में बड़े हुए मुकेश सहनी का प्लानिंग का अनुभव है। वो झंझारपुर से छोटे भाई संतोष या पत्नी कविता को चुनाव लड़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। साथ ही राजद द्वारा सुझाए गए धानुक मंडल या केउट वर्ग अति पिछड़ा के उम्मीदवार पर भी मंथन चल रहा है। 6 दिन बाद 12 अप्रैल से तीसरे फेज की सीट झंझारपुर से नामांकन शुरू हो जाएगा। 19 अप्रैल तक ये चलेगा। मुकेश सहनी की डिमांड वैशाली सीट पर थी पर राजद ने गोपालगंज सीट उन्हें सौंप दी। गोपालगंज मुकेश सहनी के कार्यक्षेत्र नहीं रहा। वर्ष 2014 में पहली बार दरभंगा में रैली कर बिहार में अपनी पहचान बनाने वाले मुकेश कोसी मिथिलांचल इलाके में लगातार काम करते रहते हैं। मुकेश की टीम गोपालगंज में दमदार उम्मीदवार की तलाश कर रही है। गोपालगंज के रविदास समुदाय के 2 डॉक्टर वीआईपी के मानक पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। मोतिहारी से भाजपा के बड़े नाम राधामोहन सिंह से मुकाबला करने के लिए सहनी कुशवाहा या स्वर्ण प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। राजद, जदयू और कांग्रेस के दावेदारों में बातचीत शुरू हो चुकी है। देखिए, कई लोग अलग अलग पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं। पार्टी छोड़ के आने के बाद कहीं ना कहीं चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि मुकेश सहनी किस कैंडिडेट को उतारना चाहते हैं। मोतिहारी में आकाश सिंह, अखिलेश सिंह के बेटे हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। हालांकि कांग्रेस में हैं तो क्या वीआईपी ज्वाइन करेंगे या फिर वीआईपी के तरफ से उनको मौका दिया जाएगा। बातचीत अगर की जाए झंझारपुर की तो झंझारपुर में मुकेश सहनी खुद लड़ेंगे या फिर अपने भाई को लड़ा सकते हैं। राजीव मिश्रा की भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज है। गोपालगंज में किसी दमदार कैंडिडेट का चुनाव मुकेश सहनी की पार्टी कर रही है। दमदार चुनाव में रविदास, पासवान, कोई भी समुदाय का आ सकता है। चूँकि ये सुरक्षित सीट है तो इस सीट पर मुकेश सहनी कितना बड़ा दाव खेलते हैं, ये मौका और ये जो रणनीति है मुकेश सहनी की वो बनाएंगे तो तेजस्वी यादव के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ रणनीति तय कर सकते हैं। क्योंकि लालू यादव का गढ़ रहा है राजद की तरफ से, यहाँ पे कई लोग जीतते आए हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है कि गोपालगंज चूँकि उनका गाँव है तो इस गाँव की सीट पर कौन उनके लिए बड़ा दावेदार है, कौन वहाँ पर जिता सकता है। तो ये 3 सीटों पर मुकेश सहनी की चर्चाएं हैं कि मुकेश सहनी अपने कैंडिडेट को तलाश कर रहे हैं। उम्मीदवारी जल्दी फाइनल होगी और 19 अप्रैल तक नामांकन कुछ सीटों पर जो तीसरे चरण, चौथे चरण में होने वाले हैं उस पर हो सकता है। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव मिलकर अपने उम्मीदवारों का नाम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जिनका भी नाम फाइनल होगा उस पर हम आपको वीडियो बना के बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट दिन भर मिलेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।